प्रधानमंत्री कृषि उत्पादक योजना की आड़ में किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बताते चले कि अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना दिलहर पुलिस द्वारा 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कृषि उत्पादक योजना की आड़ में किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इनके कब्जे से किसानों को भ्रमित करने के लिए तैयार किए गए योजना के कागज व कूटरचित दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक के चेक आदि बरामद हुए। आपको बता दें कि वादी मुलायम सिंह पुत्र पूसे राम निवासी ग्राम व थाना गड़िया रंगवीन जनपद शाहजहापुर द्वारा थाना तिलहर जनपद शाहजहापुर पर भागवी बनाम जितेंद्र नाथ आदि 7 नफर अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त गण के द्वारा प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक योजना का कार्यालय मोहल्ला बिरियागंज कस्बा तिलहर में खोलने के नाम पर वादी से 1,30,000 रुपए की ठगी की गई तथा इन्हीं अभियुक्तों द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक योजना का लाभ दिलाने एवं लोन दिलाने आदि के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई है। आपको बताते चले कि उपरोक्त अभियोग के विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टिवादी व किसानों से ठगी करके रुपए ऐंठने के ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है एवं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये थाना तिलहर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक योजना के अंतर्गत किसानों को भ्रमित करके उनसे धन की उगाही कर रहे थे। इनके कब्जे से कूटरचित दस्तावेज जो किसानों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे, आधार कार्ड, पासबुक, चेकबुक, ये सब बरामद हुआ है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये गांव में मीटिंग करके किसानों को भ्रमित करके समूह बनाकर और उन्हें लोन दिलाने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे धनराशि ली और लोन दिलाने के नाम पर भी उनसे धनराशि ली है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहापुर।